नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र की एक अनोखी धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर, जहां आषाढ़ी एकादशी का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल की आराधना का इतिहास सदियों पुराना है। आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। इसे वारी भी कहा जाता है, जहाँ लाखों भक्त वारकरी बनकर पंढरपुर की यात्रा करते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। आषाढ़ी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्योहार है, जो लाखों लोगों के दिलों को छू जाता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल और उनकी पत्नी रघुमाई की पूजा की जाती है। इस दिन की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह पर्व भगवान विट्ठल के शयन करने का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जिन्हें विट्ठल के रूप में पूजा जाता है, वह 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इस पर्व की ऐतिहासिकता बहुत पुरानी है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। भक्तजन पंढरपुर के विट्ठल मंदिर की यात्रा करते हैं, जिसे वारी यात्रा कहा जाता है। विट्ठल का स्वरूप भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। उनके मूर्ति में उनकी दोनों हाथे कमर पर और उनके पैर सीधे रखे होते हैं, जो उनके स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि भगवान विट्ठल उनकी हर परेशानी को दूर करते हैं और उन्हें शांति और सुख प्रदान करते हैं। भक्तजन इस यात्रा को बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। वारी यात्रा के दौरान भगवान विट्ठल और रुक्मिणी की मूर्तियों को लेकर चलने वाले भक्त, जिसे वारकरी कहा जाता है, भजन कीर्तन करते हुए अपने आराध्य देव के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आइए हम जानते हैं इस पर्व के पीछे छुपी कहानी और इसके महत्व को। जानते हैं कि आषाढ़ी एकादशी क्यों मनाई जाती है। आषाढ़ी एकादशी का पर्व भगवान विष्णु के शयन करने के कारण मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानते हैं कि आषाढ़ी एकादशी का क्या महत्व है। आषाढ़ी एकादशी का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यह भक्तों के लिए भक्ति और तप का समय होता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विट्ठल की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। यह पर्व आस्था, श्रद्धा और धार्मिकता का प्रतीक है। जानते हैं कि एकादशी व्रत के पीछे की कहानी क्या है। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य का वध हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। इसके बाद भगवान विष्णु ने पाताल लोक में निवास किया और बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर की यात्रा को वारी कहा जाता है। यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का एक अद्भुत संगम है। वारकरी संप्रदाय के भक्त, जिन्हें वारी में भाग लेने वाले कहते हैं, हर साल अपने गांव से पंढरपुर तक पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा लगभग 21 दिनों की होती है, जिसमें भक्तगण भक्ति गीत गाते हुए और भगवान विट्ठल का नाम जपते हुए पंढरपुर की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्त अपने सिर पर तुलसी का पौधा लेकर चलते हैं, जिसे तुलसी वृंदावन कहा जाता है। यह पौधा भगवान विट्ठल की प्रतीकात्मकता का प्रतीक है। पंढरपुर पहुंचने के बाद भक्त इस पौधे को भगवान विट्ठल के चरणों में अर्पित करते हैं। पंढरपुर यात्रा का महत्व संतों की भक्ति से भी जुड़ा है। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ और संत नामदेव जैसे महान संतों ने भगवान विट्ठल की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया। उनके भक्ति गीत और अभंग आज भी भक्तों के हृदय में भगवान विट्ठल की महिमा का बखान करते हैं। संत तुकाराम का प्रसिद्ध अभंग विट्ठल विट्ठल जय जय विट्ठल आज भी पंढरपुर यात्रा में गूंजता रहता है। यह भक्ति गीत भक्तों को भगवान विट्ठल की उपस्थिति का एहसास कराता है और उनकी भक्ति को और भी प्रगाढ़ बनाता है। आषाढ़ी एकादशी का यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि भगवान विट्ठल की भक्ति में ही सच्चा सुख और शांति है। यह पर्व न केवल महाराष्ट्र के लिए, बल्कि पूरे भारत के भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जय हरि विट्ठल। इस पवित्र पर्व के अवसर पर एनबीसी न्यूज की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचनाएं मिलती रहे। धन्यवाद।